Hello dear student, here is the new point of physics and in this video we are going to learn the new concept. आज का जो हमारा class है that is transistor as an amplifier. So in the previous topic we have discussed what is transistor, how the transistors are made, its construction. So let's recall, the transistor is a device which is made by two p-n junction diode. So there can be two possibilities, number one NPN transistor and number two PNP transistor. The most widely used transistors are in the electronic circuits are NPN transistor. The reason, because in the case of NPN transistor, majority charge carriers are the electrons, and in the case of PNP transistor, majority charge carriers are the holes. But comparison to PNP or the comparison to the holes, electrons are the better mobile charge particles. Electron ka mass bahut kam hota hai compared to holes. तो वो ईजिली एक्सीलरेट होते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया भी है. तो एन पी एन ट्रांजिस्टर इज़ द वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. बट पी एन पी ट्रांजिस्टर्स के भी अपने अपने यूजेस हैं, एप्लीकेशन हैं, बट उसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते. तो आज का जो हमारा क्लास होगा दैट इज़ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वॉट इज एम्पलीफायर एंड वॉट इज एम्पलीफिकेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर, amplification is the kind of process in which low level intensity sound is converted into high level intensity of the sound. Example के तौर पर speaker से निकला हुआ जो sound है जिसे आप सुनते हो उसकी intensity बहुत loud होती है, but the sounds which is coming from your side, आपकी तरफ से जो sound आ रहा है उसकी intensity बहुत कम होती है. graphically अगर आप इसको मैं इसे explain करना चाहूँ तो आप इसे देखिए, ये एक input signal है. अब अगर इस इनपुट सिग्नल को मैं किसी एम्पलीफायर प्रोसेस से पास आउट कराऊं तो ये कन्वर्ट होके कुछ इस तरह का हो जाएगा. यू कैन सी एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी चेंज्ड, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. तो ये जो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया उससे साउंड की इंटेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीजेस, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन एंड द सर्किट व्हिच इज डूइंग दिस जॉब, व्हिच इज परफॉर्मिंग दिस जॉब इज कॉल्ड योर एम्पलीफायर. और ये एम्पलीफायर का काम, एम्पलीफिकेशन का जो वर्क है वो हम एक डिवाइस से करेंगे, व्हिच डिवाइस इज कॉल्ड योर ट्रांजिस्टर. सो यू हैव टू नोट डाउन, एम्पलीफायर इज द सर्किट while amplification is the process. In the case of amplification, low intensity sound is going to be converted into high intensity of sound, and the device which performs is called amplifier, and amplifier that means a type of transistor. So hum yahan par dekhte hain ki kaise ye transistor sound ki intensity ko increase kar deta hai. Ab chote chote examples se aap apne aap ko connect karne ki koshish karo. If you have a speaker, agar aapke paas ek speaker hai, और जो डीजे के अंदर स्पीकर्स होते हैं बहुत डिफरेंस होते हैं, साइज़ भी बहुत बड़ी होती है. तो साइज़ अगर बड़ी है, स्पीकर बड़ा है, तो स्पीकर से करंट भी बहुत ज़्यादा जाता होगा, करंट बहुत ज़्यादा जाता होगा. दैट मीन्स उस स्पीकर का क्वालिटी अगर आप देखो, साइज परस्पेक्टिव से आप देखो, तो साइज़ बड़ी है, इट रिक्वायर्स मोर करंट, ज़्यादा करंट, ज़्यादा रेजिस्टेंस, IR, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप. आर गेटिंग माई पॉइंट? वन मोर टाइम, बिगर स्पीकर, बिगर रेजिस्टेंस, मोर करंट रिक्वायर्ड. So according to the formula V is equal to IR, more output voltage is going to be dropped. But for a less speaker, a less size of a speaker, less amount of current, small voltage drop. ये एक फंडा है इसे समझने का, यानी amplification की process में हमें voltage drop देखना होता है, ज़्यादा होना चाहिए. Because अगर V is equal to IR के according voltage drop ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर amplification ज़्यादा है. तो ट्रांजिस्टर इस प्रोसेस को कैसे करता है, ट्रांजिस्टर में ऐसी क्या खासियत है, उसे समझने के लिए आपको समझना होगा ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक. मस्ट रिमेंबर देयर इज टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. सो व्हाट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक? In the case of output characteristic, we have to draw a graph of output current delta IC and output voltage delta VCE.
तो हमें ग्राफ मिलता है करंट आउटपुट करंट आईसी और आउटपुट वोल्टेज वीसीई का, और वो ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि व्हेन वी इंक्रीजेस द वोल्टेज द करंट आल्सो इंक्रीजेस, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड व्हेन योर वोल्टेज इज़ वन करंट इज़ वन, वोल्टेज टू करंट टू, वोल्टेज थ्री करंट थ्री, बट व्हाट यू सी आफ्टर दिस पॉइंट इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। बट ये परफॉर्मेंस आपको तब मिलेगा जब आपका बेस करंट कॉन्स्टेंट होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल है जिसे आपको याद रखना चाहिए, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। बेस करंट यहाँ पे सपोज 20 माइक्रो एम्पियर है, आप अगर बेस करंट को और चेंज करो, यहाँ पर आप ले लो 40 माइक्रो एम्पियर, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है थोड़ा सा और आगे तक चलेगा। इनिशियली 1, 2, 3 पे करंट कॉन्स्टेंट हो गया IC, लेकिन इस वाले सिचुएशन में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 तक जाएगा और उसके बाद कॉन्स्टेंट होगा। यानी यहाँ पर अगर मैं IC सपोज करूँ तो यहाँ 2 मिली एम्पियर है, यहाँ पे सपोज करूँ तो ये है 4 मिली एम्पियर। वन मोर टाइम, इफ़ यू चेंज योर बेस करंट, आप अपने इनपुट वाले बेस करंट को और चेंज कर दो, सपोज़ ये 60 कर दो, 60 माइक्रो एम्पियर, देन व्हाट यू सी, वी कैन सी दैट नाउ VC इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, अब VC और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एवरी टाइम व्हेन यू चेंज योर बेस करंट, देन लुक एट दिस, देर इज ऑल्सो चेंज इन द कलेक्टर करंट। बेस करंट में चेंज के साथ कलेक्टर करंट में भी चेंज हो रहा है, और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज VCE है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसी फंडे पर ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क होने वाला है। फिर से आप समझ लो, ध्यान से समझना, दिस इज़ योर आउटपुट करंट IC एंड दिस इज़ योर आउटपुट वोल्टेज। द रिलेशन बिटवीन IC एंड आउटपुट दैट इज़ VCE इज कॉल्ड योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट वी सी एट अ कॉन्स्टेंट बेस करंट, एट द कॉन्स्टेंट बेस करंट आफ्टर सर्टेन वोल्टेज ऑफ VCE करंट IC बिकम्स कॉन्स्टेंट। Then again, when your base current is going to be changed, collector current is also going to be changed. Base current is going to be changed, collector current is also going to be changed. So, ye ho gaya 6 milliampere. So, this is the output characteristic. Now, this is the transistor as an amplifier circuit. Yahan par aap dekhiye, ye maine block diagram kuch banaya, iska setup taiyar kiya hai. So, this is NPN transistor. That means, this one is N, this one is P, and this one is N. From positive to negative, this is your common emitter transistor. ये emitter हो जाएगा, this one is called your base and this one is called your collector. Alright? Then one important thing which you have to note is this is your load resistance RL, जहाँ पर आपको output मिलने वाला है। और हर एक lecture में हम discuss करते ही रहते हैं कि transistor को activate करना है तो emitter junction should be in forward bias and collector junction should be in reverse bias. तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है दैट इज़ योर बेस एमीटर सेक्शन विच इज़ कॉल्ड योर एमीटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस। एमीटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। सो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या है? पॉजिटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड फॉर रिवर्स पॉजिटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेगेटिव। लुक एट दिस, ये पी सेक्शन को हमें देना होगा प्लस एंड दिस one is considered to be negative plus minus and the name of this battery is simply VBB. It is just because base ke side hai, isliye hum is battery ko naam de denge VBB. So which battery is providing the forward bias to this circuit? VBB. Now towards the collector side, this should be in a reverse bias, which shows that negative side is connected should be in positive. Negative connect hona chahiye positive ke saath. ये पॉजिटिव टर्मिनल, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा वाला हो गया नेगेटिव एंड द नेम ऑफ दिस बैटरी इज VCC। सिंपल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सॉरी NPN ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम समझ लो आप अच्छे से। तो ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पे VBB बैटरी इज प्रोवाइडिंग द फॉरवर्ड बायस एंड दिस बैटरी इज प्रोवाइडिंग द रिवर्स बायस। नाउ देयर इज वन मोर वोल्टेज व्हिच इज एक्चुअली बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड दिस इज कॉल्ड योर VBE. That is base emitter voltage. And the similar situation, this one is called your collector emitter voltage VCE.
So these are, this is VBE and this is VCE. You can also call this voltage as input voltage and this voltage as output voltage. अब ये क्या है, तो यहाँ पे हम suppose कर लेते हैं कि एक ammeter लगा है which is actually measuring the value of base current because ये base के side connect है और ये जो है यहाँ पे एक और ammeter हम connect कर देते हैं, ये हमें measure करके देगा collector current. All right? If you observe the diagram, then you can see base current will flow in the circuit like this. ये base current होगा battery के plus से, कलेक्टर करंट भी बैटरी के प्लस से कुछ इस तरह से चलेगा. दिस वन इज आई सी एंड लुक एट दिस, आई बी भी इनकमिंग है, आई सी भी इनकमिंग है, सो इट विल बिकम द आउटगोइंग करंट आई ई. ये हो गया हमारा डायग्राम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम आपका सही होगा तो एग्जामिनर इसी से खुश होकर आपके आपको मार्क्स देने वाला है. डियर, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ये जो आपको एक्सप्लेन किया गया है इसके बेसिस पर ही इसका वर्क आपको समझ में आएगा. But when this question is asked in your Gujarat board exam or CBSE level exam, then you cannot show this figure. इसके आपको figure को show नहीं कर सकते आप, because ये output characteristic अलग topic के लिए है. आपको इसको process समझानी है कि कैसे ये increase हो गया. वो process को समझने के लिए ये funde को समझना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए इस diagram को, observe करिए इस characteristic को. अगर मेरा बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर से 40 माइक्रो एम्पियर हुआ, यानी चेंज इन डेल्टा आई बी इज 40 माइक्रो एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स 20 माइक्रो एम्पियर. दिस इज चेंज इन बेस करंट. बेस करंट में माइक्रो एम्पियर का चेंजेस आया, तो उसके बेसिस पर जो आपका आउटपुट करंट है डेल्टा आई सी, वो चेंज हो रहा है 4 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 2 मिली एम्पियर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट करंट गेन फॉर दिस सर्किट, करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर, दैट इज बीटा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, देन डेल्टा आई सी इज 2 मिली 10 पावर माइनस 3 एंड बेस करंट इज 20 10 पावर माइनस 6. इन दिस वे your final answer is 100. ये क्या शो कर रहा है बीटा करंट गेन 100? इट इज शोइंग दैट इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन देन डेल्टा आई सी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा आई बी. यानी अगर हमारे बेस करंट में थोड़ा भी चेंज हुआ, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में चेंज हुआ, तो कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स चेंज होने वाला है. बीटा कितना है 100. एंड डियर स्टूडेंट, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, इसमें माइक्रो एम्पियर का चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो आई सी बीटा टाइम्स चेंज हो जाता है. बीटा कितना आता है 100, यानी 20 माइक्रो एम्पियर के चेंज के लिए आपका जो 2 मिली एम्पियर चेंज हुआ, इसका मतलब है कि डेल्टा आई सी इंक्रीज हो गया. और डेल्टा आई सी अगर इंक्रीज होता है तो आपको पहले ही मैंने बोला IC के इंक्रीज हो जाने से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हुआ दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा मिला, यानी इंटेंसिटी अगर इस तरह की थी तो अब वो इंटेंसिटी इस तरह की हो जाएगी. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन. ये इस फंडे के हिसाब से आपको समझना होता है. IC में ज़्यादा चेंजेस, बेस करेंट में थोड़ा चेंजेस. चलो अब उसे हम इस सर्किट पर समझते हैं कि कैसे सिचुएशन हो रही है. ऑल राइट, तो थियरी आपको लिखना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डायग्राम, मस्ट रिमेंबर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड योर NPN ट्रांजिस्टर. पी शुड बी कनेक्टेड विद प्लस, सो दिस इज वी डबल बी विच इज प्रोवाइडिंग द फॉरवर्ड बायस. देन N इज कनेक्टेड विद द प्लस, वी सी सी विच इज प्रोवाइडिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज. दिस इज बेस एमिटर वोल्टेज वी बी ई, दिस इज कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वी सी ई, कलेक्टर करेंट, बेस करेंट एंड देन एमिटर करेंट. जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, द सिग्नल विच हैज़ टू बी एम्पलीफाइड इज ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड एमीटर. जैसे यहाँ पर एक सिग्नल आप सपोज कर लो और वो होगा सिग्नल वी एस, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वी एस. द सिग्नल विच हैज़ टू बी एम्पलीफाइड इज ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड एमीटर. अब आप जरा सोचिए, इस सिग्नल के यहाँ पर आ जाने से क्या ये चेंज होगा? दैट इज कॉल्ड योर इनपुट वोल्टेज ऑब्वियसली.
because initially V double B, जब ये नहीं था, in the absence of that VS, initially V double B and VBE both are identical to each other, दोनों same थे, but जैसे ही series में ये signal आया, जो हम बोलते हैं, वो intensity है, जो हमने बोला वो signal voltage के form में आया, और इसके साथ series में add हो गया, so just because of that signal, VBE is going to be changed. And when your input voltage is going to be changed, base current is going to be changed. And when the base current is going to be changed, then collector current is also going to be changed according to this formula. And this change is about milliampere. So ultimately your current increases, so the voltage drop also increases. Thus we get the amplified signal on the output side. Alright, तो ये theory हुआ. फिर से मैं समझाता हूँ. Note कर लेना, यही आपको exams में लिखने होंगे. The signal which has to be amplified is always connected between base and emitter, like this. यानी जिस signal को हमें amplify करना है, वो हमेशा base और emitter के बीच में होगा. इस signal के आ जाने से VBE change हुआ, base emitter change होने से base current change हुआ. ये base current जो change होता है, वो micro के form में change होगा. According to this formula, अगर base current change हुआ, तो delta IC भी change होगा, और वो change milliampere के form में होगा. यानी हमारा IC increase हो गया. Voltage drop increase ho gaya, and when the voltage drop increases, that means we will get a amplified signal on the output of this RL. Done. To ye tha hamare liye theory jise aapko likhna hai. Ab hum ek derivation karte hain, us derivation se hum find karenge voltage gain. What do you mean by voltage gain? Voltage gain means output voltage we are getting over here and the input voltage. The ratio of output voltage and input voltage is called voltage gain. So let's derive it. How to derive? So first of all, there is input section. पहले हम input section के तरफ देखते हैं. At the input section, initially, when there is no signal, जब कोई भी signal नहीं है, यानी VS zero है. So look at the diagram. This V double B is exactly equals to VBE. So V double B is exactly equals to V, B and E. When signal is given to BE terminal. जब signal BE terminal को दिया जाता है, तो क्या हो रहा है? तो VBB प्लस VS ये दोनों ऐड हुए और VBE जो पहले से ही था बेस एमिटर उसमें चेंजेस आए. दैट चेंज इज डिनोटेड विद दिस डेल्टा VBE. ऑलराइट, सो V डबल B वाज प्रेजेंट देयर, VS गेट्स एडेड विद दैट, VBE इज ऑलरेडी देयर, देयर इज सम चेंज दैट इज डेल्टा. बट व्हाट वी सी, V डबल B एंड VBE इज इक्वल, ये कैंसिल. सो फाइनल आंसर VS इज इक्वल टू डेल्टा VBE. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं जो भी सिग्नल दूंगा, वट एवर द सिग्नल वी आर प्रोवाइडिंग ओवर हियर, दैट सिग्नल इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज. बेस और एमिटर में जितना चेंज आया वही तो हम दे रहे हैं. प्रैक्टिकली सोचिए, 10 वोल्टेज मैंने दिया होगा, तो 10 वोल्टेज के जितना यहाँ पर पहले 20 वोल्टेज होगा, तो ये 30 वोल्टेज हो गया होगा. यानी 10 वोल्टेज जितना चेंज आया होगा, ये 20, ये भी 20, 10 दिया तो इसमें 10 जितना चेंज आ गया. So that is delta VBE. That is called your input voltage. तो आप इसे input voltage VI भी बोल सकते हो. Delta VBE. And according to the formula of input resistance, RI. RI is equal to delta VBE upon delta IB. Make this subject. So delta VBE is equal to delta IB into RI. This is input voltage. तो ये हमारे input section का derivation हुआ. Now on the output section. On the output section we have to follow the one rule that is very important. KVL, Kirchhoff's voltage law जिसे हम कहते हैं. और वो Kirchhoff's voltage law आपको ऐसे इस तरह से follow करना है. So we have to move in this direction. Alright? We are going from negative to positive plus VCC. Our direction and look at the current direction, both are in the same direction,
answer will be negative minus ICRL minus ICRL, then VCE, which is connected with this N. This one is also negative, this one is also negative. Hence, it is considered minus VCE is equal to 0. So, ye hua KVL. Then, VCE is equal to VCC minus ICRL. But dear student, you have to note कि IC नहीं है, IC में चेंज हो रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है तो IC में चेंज हो रहा है. सो फॉर चेंज वी विल राइट दिस इक्वेशन एज डेल्टा VCE, डेल्टा VCC माइनस डेल्टा IC एंड RL. RL में कोई चेंज नहीं होने वाला, डेल्टा IC चेंज हो सकता है. लुक एट दिस, दिस इज डेल्टा VCC, ये तो रिवर्स वोल्टेज दे रहा है, 5 वोल्टेज होगा फिक्स होगा, 6 वोल्टेज होगा तो फिक्स होगा. इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज़ अ कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज, ये नहीं चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, इसीलिए डेल्टा VCC क्या होगा, जीरो, इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू. दस डेल्टा VCE विच इज कॉल्ड योर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा IC इंटू RL, ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज. नाउ वोल्टेज गेन, it is represented by AV is equal to output voltage upon input voltage. So output voltage is minus delta IC RL upon delta IB and then RI. ये equation तो है ही, but अगर आप इसमें अच्छे से observe करो तो ये देखो, this is called your beta. So minus beta RL upon RI, and again this beta upon RI is the transconductance value of the transistor, which is denoted by this GM. Beta upon RI is called GM, so minus GM into RL. So it is very important equation. In equation se numerical bante hain. Voltage gain is equal to minus GM RL. अब वो चीज़ समझ लेते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है. एक तरीका समझने का ये था कि बेस में जो भी चेंज होगा, VBE के चेंज होने से बेस करंट में जो भी चेंज हो रहा है वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में चेंज हो रहा है. हमने देखा कि कलेक्टर करंट मिली एम्पियर का चेंज हुआ, इससे बीटा हमारा इंक्रीज़ हो गया. बीटा इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियसली बीटा इंक्रीज़ होगा, बीटा इंक्रीज़ होगा, जी एम इंक्रीज़ हो जाएगा, आर एल तो कॉन्स्टेंट है. वेन योर बीटा इंक्रीजेस दैट मीन्स जी एम इंक्रीजेस, जी एम इंक्रीजेस तो जी एम इंटू आर एल ड्रॉप ज़्यादा आएगा, इसीलिए वोल्टेज गेन बढ़ गया. गेन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये एक सर्किट है, यहाँ पर आपने 10 दिया तो यहाँ 20, तो गेन हुआ 2 का. यहाँ आपने 100 दिया, यहाँ मिला 300, गेन इज़ अबाउट 3. तो गेन अगर पॉजिटिव आता है, इस विदाउट डेसिमल आता है 3, 4, 5, तो वो एक बहुत अच्छा एम्पलीफायर सर्किट है. सो दिस इज़ हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क्स. यहाँ के आज के टॉपिक में आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं. ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्वेश्चन अगर आता है तो दो फेज में आएगा. वेरी फर्स्ट फेज, एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा डायग्राम और फिर ये कैसे काम करता है. बेस एमिटर है, VBB यहाँ पे फॉरवर्ड बायस दे रहा है, VCC रिवर्स बायस दे रहा है. उसके बाद जो भी सिग्नल हमें एम्पलीफाई करना होता है दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड एमिटर. इसके आ जाने से क्या होगा, तो इसके आ जाने से बेस एमिटर चेंज होता है. And when the base emitter, that is input voltage, is going to be changed, base current is going to be changed. Base current बदलता है तो उसके हिसाब से हमारा IC change होगा इस formula के according, that is beta is equal to delta IC upon delta IB, और वो मिली एम्पेयर के फॉर्म का चेंज होगा. अगर वो मिली एम्पेयर के फॉर्म का चेंज होगा तो अल्टीमेटली IR बड़ा मिला, डियर IR बड़ा मिल रहा, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी क्या हो गई, आउटपुट वोल्टेज की इंक्रीज हो गई. फिर आता है डेरिवेशन, जिसमें आपको आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज फाइंड करके बताना है. तो आप पहले इनपुट सेक्शन में जाइए. इनिशियली आपका सिग्नल नहीं था तो VBB इसके इक्वल में है, जैसे ही आपने सिग्नल दिया ये दोनों ऐड हो गए और इसमें चेंज आया, इतना चेंज आया, ये दोनों सेम, आंसर इनपुट वोल्टेज. आउटपुट सेक्शन में जाओगे, यूज़ करो KVL और आउटपुट वोल्टेज मिला. देन डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज टू गेन द वैल्यू ऑफ, टू गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आपका वोल्टेज गेन हुआ तो आप ज़रा सोचिए कि एम्पलीफायर के अंदर जो पावर है वो भी बड़ा होना चाहिए.
क्योंकि वोल्टेज बड़ा हो गया तो पावर भी बड़ा होना चाहिए, यानी पावर गेन आप निकाल सकते हो। कैसे? तो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। पावर गेन AP इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो द आउटपुट पावर विल बी VI, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, सो डेल्टा VCE डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE एंड देन डेल्टा IB। दिस इज कॉल्ड योर वोल्टेज गेन AV एंड दिस इज कॉल्ड योर बीटा। वोल्टेज गेन इज व्हाट? वोल्टेज गेन इज GM इंटू RL एंड देन बीटा। सो GM RL into beta is the formula, or else you can write GM is equal to beta upon RI, यानी एक और answer आ सकता है beta square RL upon RI। इस equation से भी देखिए पता चल रहा है beta increase, ये दोनों तो constant है, तो beta अगर increase होगा तो power gain भी क्या होगा, improve हो जाएगा, और power gain improve हुआ तो आपके circuit की amplification बहुत अच्छे तरीके से हो गए। सो आई होप कि आपको ये पूरा concept समझ में आया। जहाँ पे भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे थ्योरी में डाउट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन कमेंट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।